हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरताज हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टाइम्स एक्सप्लोरर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है क्रिप्टन ब्रांड के नाम पर। लोग क्रिप्टन मोबाइल और टीपैड मोबाइल के झांसे में बहुत तेजी से आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों फर्जी वेबसाइट कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट पर अपना ऐड बड़े पैमाने पर चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट है जहां एड्स दिख रहे हैं, वो वेबसाइट्स हैं यूट्यूब, फेसबुक और गूगल सर्च इंजन। ट्रस्टेड वेबसाइट पर एड्स की वजह से ही कुछ लोग क्रिप्टन मोबाइल को नया ब्रांड समझ रहे हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं। अगर आप भी क्रिप्टन मोबाइल या टीपैड मोबाइल खरीदने का मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट भी हो सकता है। आज हम इनको एक्सपोज करेंगे कुछ सबूतों के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ये डोमेन परचेस कर रहे हैं। एक वेबसाइट बंद हो जाती है तो मल्टीपल डोमेन्स ये लोग ओपन कर लेते हैं। पहले इन्होंने elod.biz नाम से वेबसाइट बनाई, जब ये वेबसाइट बंद हो गई तो इन लोगों ने मल्टीपल डोमेन्स परचेस की, जैसे easyphones.com, easyphone.com और mynochphone.online। हो सकते हैं और भी डोमेन हो जो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे हमें पता लगेगा हम टाइम्स एक्सप्लोरर पे वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि इनकी कौन कौन सी और वेबसाइट थे यहाँ फर्जी मचा रहे हैं, फर्जीवाड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। इजी फोन्स और इजी फोन्स, ये दो अलग अलग डोमेन, स्पेलिंग का बस डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम बेच रहे हैं क्रिप्टन नाम से। क्रिप्टन नाम का ब्रांड जो एग्जिस्ट नहीं करता है उस ब्रांड से फोन बेच रहे हैं। और जितने भी फोन हैं ये सारे ब्रांडेड फोन हैं। इन्होंने बस क्या किया है, उस ब्रांडेड फोन का नाम हटा दिया है और अपना ब्रांड का नाम लगा दिया है। mynochphone.online नाम से जो वेबसाइट का डोमेन है, इस पे लोग टीवी कॉमर्स वेबसाइट होती है तो वो डिलीवरी से पहले यूजर से उसका लोकेशन पूछती, पिन कोड वगैरह जहाँ वो प्रोडक्ट डिलीवर करे। हर पिन कोड पर डिलीवर नहीं करते हैं, लेकिन mynochphone.online केस बिल्कुल डिफरेंट है, ये हर जगह डिलीवर करते हैं। इनको अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐसे पिन कोड भी डाल दो चाहे वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज कर मैं 6x1 डाल दूँ, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे मैसेज आ गया सर्विस अवेलेबल ऑन दिस पिन कोड जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम है अगर मैं 6x0 डाल दूं, क्लिक करो तब भी बोल रहे हैं कि 00 पर डिलीवर करते हैं। मतलब आप न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू डाल दो, ये हर उस न्यूमेरिक वैल्यू की पिन कोड समझ रहे हैं उसमें डिलीवर करते हैं। ये फर्जी वाला मचा रखा है इन लोगों ने। .com का जो डोमेन नेम है उसका नाम है easyphones.com जबकि वेबसाइट का नाम है इजी फोन, नेम में एस मिसिंग है। अगर आप क्रिप्टन स्मार्टफोन्स, टैबलेट और स्मार्ट वॉचेस गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इस नाम से कोई भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है और ना ही टीपैड नाम से कोई ब्रांड अवेलेबल है। easyphone.com और mynochphone.online पर अगर आप जाएंगे तो आप कोई एक ऐसा फ़ोन चुने जो दोनों वेबसाइट में सेम है और उस वेबसाइट के आप अगर रिव्यूज़ देखेंगे तो सेम यूज़र्स ने सेम रेटिंग दी हुई है, सेम ही यूज़र्स हैं, सेम उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है, सेम रेटिंग दी है। डिफरेंस बस ये है कि वो डेट अलग डिफरेंट है। अगर वेबसाइट के आप फुटर में जाते हो तो वहाँ पर नीड हेल्प का एक सेक्शन है, उसमें अगर पॉइंटर ले जाओगे तो देखो FAQ का जो लिंक है वो अनफंक्शनल है। इसी तरह रिपोर्ट अब्यूज़, कस्टमर सर्विस और विश लिस्ट के जो लिंक्स हैं वो भी अनफंक्शनल है। बायर सेंट्रल के सेक्शन में बायर प्रोटेक्शन, EMI पेमेंट और बायर गाइड्स के जो लिंक्स हैं वो भी अनफंक्शनल है। कंपनी के जो सेक्शन है उसमें करियर्स और साइट मैप का जो लिंक है वो भी अनफंक्शनल है। अनफंक्शनल का मतलब है इस पर आप क्लिक करके कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि इनके पेज बने नहीं हुए हैं। easyphones.com वेबसाइट में जो कॉन्टेक्ट अस है उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस और रिफंड पॉलिसी में जो एड्रेस दिया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और डिफरेंट भी ऐसा कि इसमें कोई फ्लैट नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ। चाहोगे तो कांटेक्ट, अगर आप इनको कांटेक्ट आप पहुंच नहीं सकते हैं। easyphones.com वेबसाइट में जितने भी पेज हैं ज़्यादातर में स्पेलिंग, कॉमा,
और फुल स्टॉप की मिस्टेक्स है। अगर हम रिफंड पॉलिसी की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने कॉपी कहीं ना कहीं से इसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और इस तरह से कॉपी पेस्ट किया है कि जहां से इन्होंने कॉपी किया था वहां का डोमेन नेम एडिट करना भूल गए। जैसे किया तो eloader.com से मुझे कोई वेबसाइट नहीं मिली, लेकिन eloader.biz नाम से एक वेबसाइट मिली जिसमें जिस वेबसाइट को मैंने विजिट किया तो उस नाम से भी मुझे कोई डोमेन नहीं मिला। मैं उस वेबसाइट पर उस डोमेन पे कई बार विजिट कर चुका हूँ। जब एक बार विजिट किया तो मुझे एरर पेज दिखाई दिया, मैंने फिर कुछ घंटे बाद फिर विजिट किया तो मुझे एक कमिंग सून का पेज दिखाई दिया, फिर मैंने विजिट किया तो एरर पेज दिखाई दे रहा है। तो मुझे देखना था कि उस वेबसाइट में ऐसा इस डोमेन पर पहले क्या था। अगर आप eloader.biz जो वेबसाइट का डोमेन है, ये कभी लाइव हुआ करती थी वेबसाइट, इसका कंटेंट देखना है तो आप एक वेबसाइट है cashedview.com, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे URL एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपको URL डालना है और गूगल वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे वहां पे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, हो सकता है वो बिखरा हो लेकिन आपको कंटेंट मिल जाएगा, हेडर फुटर और पेज के जितने भी कंटेंट है तो उसमें आप देखोगे तो सेम कंटेंट है। चाहे आप रिफंड पॉलिसी का पेज देख लीजिए, चाहे कॉन्टेक्ट अस का पेज देख लीजिए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर easyphone.com पर है सेम चीज eloader.biz पर है, सेम रिफंड पॉलिसी वहां है, सेम रिफंड पॉलिसी यहां है। इस वेबसाइट्स पर कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे मोबाइल हो चाहे टैबलेट हो, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने प्राइस इतना कम रखा है कि जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इतना कम अगर वो प्राइस रखेंगे तो वो सेव क्या करेंगे, जितने की फोन की लागत है उससे भी कम रेट में बेच रहे हैं लोग। जिस तरह से क्रिप्टन और ट्रिपेट का नाम अता पता गूगल सर्च पे है ही नहीं, उसी तरह से इजी फोन्स का ना कोई फेसबुक पर पेज है, ना ट्विटर हैंडल है, ना यूट्यूब पे कोई चैनल है, और ना ही इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है। एटलीस्ट किसी एक में तो होना चाहिए था। आज का सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और ये लोग इससे कोसों दूर हैं। इन लोगों ने मतलब अपने आप को इतना छुपाया है कि मतलब अगर कोई यूजर फंस भी गया इनके जाल में आकर, ना वो इनको कॉन्टेक्ट कर सकता है, ना किसी सोशल नेटवर्किंग पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मतलब पहुंचने के जितने भी दरवाजे हैं सारे बंद हैं। एक बार आप फंस गए तो फंस गए, आपके पैसे गए तो गए। अगर easyphone.com को अगर हुईज रिकॉर्ड में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो भी इंफॉर्मेशन है, इनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो इन्होंने हाइड कर रखी है, हुईज प्रोटेक्ट करवा रखा है, जो कि मोस्टली जो भी पब्लिक डोमेन्स हैं वो नहीं करती हैं ऐसा। easyphone.com का जो डोमेन है और mynewphoneonline दोनों डोमेन नेम जो रजिस्ट्रार है जहाँ से उन्होंने डोमेन परचेस किया है वो है namecheap.inc। easyphone.com को इन्होंने रजिस्टर हाल ही में किया है, सिर्फ एक साल के लिए परचेस किया है। रजिस्ट्रेशन की डेट है 5 अप्रैल 2020। मतलब इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट भी चला दिया गूगल फेसबुक पर, और डोमेन सिर्फ एक साल के लिए परचेस किया। मतलब इनको अपने आप पर ट्रस्ट ही नहीं है कि इनका बिजनेस मतलब चलेगा कि बंद होगा। मतलब ये है कि फ्रॉड करेंगे, बंद हुई वेबसाइट तो कोई बात नहीं, नया डोमेन परचेस कर लेंगे। हु इज गार्ड प्रोटेक्टेड, सिर्फ वो लोग परचेस करते हैं जो चाहते हैं कि उनके मतलब जो भी वेबसाइट है वो पर्सनल पर्पज से खरीदते हैं, ठीक है, हो सकता है वो कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो। लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि हुईज प्रोटेक्टेड का। फ्लिपकार्ट हो, एमेजॉन हो, स्नैपडील हो, मिंत्रा हो, आप कोई भी वेबसाइट जो डोमेन्स है अगर सर्च करोगे हुईज डॉट पे तो आप हुईज रिकॉर्ड में तो उनका
हु इज प्रोटेक्टेड नहीं मिलेगा आपको, उनका पूरा इंफॉर्मेशन आपको ही रिकॉर्ड में मिल जाएगा। ईजी फोन्स के खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट में यूजर्स ने कई कंप्लेंट रजिस्टर कर रखी हैं। किसी ने कहा है कि हमारे पैसे कट गए लेकिन हमें फ़ोन डिलीवर नहीं किया, किसी ने कहा है कि हमारे नकली फ़ोन पकड़ा दिया गया, डमी फ़ोन। हजारों लाखों कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं। मैं आपसे बार बार ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि easyphones.com और manojphone.online ये दोनों लिंक्ड कैसे हैं आपस में, वो इसलिए कि आप देखेंगे इनका जो आप देखेंगे इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। दोनों डोमेन को नेम चीफ INC रजिस्ट्रार से खरीदा हुआ है। दोनों डोमेन एक एक साल के लिए परचेस किए गए हैं। दोनों डोमेन पे जो सीमेस यूज हो रहा है वो सेम है। दोनों वेबसाइट का सीमेस इसलिए सेम है क्योंकि URL का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सेम है। फेविकॉन आइकन भी दोनों में सेम है। गूगल साइट वेरिफिकेशन अगर देखोगे तो ये दोनों सेम कोड कैसे हो सकता है, एक वेबसाइट ऑनर है एक वेबसाइट, मतलब कुछ तो लिंक्ड है इनमें। दोनों ही वेबसाइट में सेम रिव्यूज कैसे हो सकते हैं, डेट आप खाली बदल दोगे बाकी सेम प्रोडक्ट पे सेम, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों ही वेबसाइट में सेम बग, एड्रेस भी सेम। आई होप कि अब आपको तो पता ही लग गया होगा कि ये वेबसाइट फर्जी है कि नहीं है। इतने सारे सबूत मैंने पेश कर दिए हैं, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है। ये सिर्फ अपने एड्स चलाकर लोगों को अपने पास बुलाकर लोगों से पैसा लूटना चाहते हैं और इनका कोई इरादा नहीं है। कोरोना महामारी चल रही है, लोगों को अच्छे काम करना चाहिए लेकिन ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि मतलब वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, मतलब जितना बुरा से बुरा कह सकते हो वो काम कर रहे हैं ये लोग। फिलहाल टाइम्स एक्सप्लोरर की नज़र में ये आ चुके हैं। कब तक बचेंगे, कितने डोमेन बनाएंगे, कब तक भागेंगे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी तो पकड़े जाएंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने रखे हैं इस वेबसाइट पर आप हमें ज़रूर बताएं आपने अपनी व्यूज़, और आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों को या फिर अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये वेबसाइट्स फर्जी हैं, तो आप ही उन्हें बचा सकते हैं। जितना इस वीडियो को आप सर्कुलेट करेंगे उतनी जल्दी जल्दी लोगों को पता चल पाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को इन वेबसाइट्स के फर्जीवाड़े का पता लगे और वो स्कैम में फंसने से बच पाएं। जैसे हमें इनके और डोमेन्स के बारे में पता चलता है मैं एक और वीडियो डालूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलती है नए वीडियो के साथ।